हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो देखिए, यहाँ पे इंडिया रेलवे से रिलेटेड जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, उसमें हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का करंट अफेयर देखने के बाद, अब हम लोग मई और जून में जो भी इंडिया रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखने वाले हैं, राइट? देखिए, यहाँ पे आप लोग जो अदर सब्जेक्ट्स है उन पे आप लोग फोकस करते रहिए, क्योंकि ये आपका जो करंट अफेयर है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे हो रहा है वहीं आपके क्वेश्चन उठ के आ जाए। कुछ भी पूछा सकता है, करंट अफेयर तो करंट अफेयर ही होता है, राइट? तो इसको बस एक बार आप लोग देख लीजिए, ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप लोग जो अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे आपका एप्टीट्यूड हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग तो हालांकि आता ही होगा, ये थोड़ा ईजी होता है, बाकी जो जीके हो गया, थोड़ा वहां पे हो गया, आपका कस्टमर रिलेशनशिप और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गया, ये सब चीजें, और साइंस, ठीक है, ये आप लोग इतना चीजें इन पे फोकस करिए ज्यादातर। और मेनली तो आप एप्टीट्यूड को रोज रोज किया करिए और इस पे प्रैक्टिस बनाइए कि कितना कम से कम समय में ये हो जाए, ठीक है? क्योंकि 120 क्वेश्चन भले ही होंगे आपके, जिनमें से ये 24 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के ही होंगे और यही सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला है, ठीक है? तो इस पे जितना आप सब हो सकता है प्रैक्टिस, उतना प्रैक्टिस करते रहिए। ये सब चीजें तो अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो आपको यहाँ से स्किप तो कर ही देना होता है कि नहीं? करेंट अफेयर आप जो पढ़ रहे हो सकता है वहां पे अगर क्वेश्चन देखेगा, आपको दिखते ही पता चल जाएगा कि ये मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है? अगर नहीं आता है क्वेश्चन तब तो आपको वहां से हटना ही होगा, लेकिन ये जो एप्टीट्यूड वगैरह हो गया, ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, चाहे कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए, चाहे कैसा भी हो, ठीक है? तो प्रैक्टिस इस पे मेन है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा और इस पे फोकस करिए। बाकी जो आपको यहाँ पे करंट अफेयर चल रहा है, इस पे आपको केवल एक बार पढ़ लेना है, ठीक है? बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको बस केवल एक बार देख लीजिए और जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है, थोड़ा थोड़ा चीजें आप अपना नोट करते जाइए, राइट? तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि किसने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 की कार्बन कटौती श्रेणी में रजत पुरस्कार जीता है। तो हु हैज ऑन द सिल्वर अवार्ड इन द कार्बन रिडक्शन कैटेगरी ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023? तो किसने ये जीता है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 की कार्बन कटौती श्रेणी में रजत पुरस्कार? तो ये चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने जीता है, ठीक है? याद रखिएगा, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने अभी हाल ही में 24 अप्रैल 2023 को ये मियामी फ्लोरिडा में एक समारोह में प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 की कार्बन कटौती श्रेणी में रजत पुरस्कार जीता है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने। देखिए, ये जो अवार्ड है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार कार्यक्रमों में से एक है, ठीक है? पर्यावरण पुरस्कार मतलब पर्यावरण से रिलेटेड है, ग्रीनरी से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य हमारे यात्रियों और चेन्नई के लोगों को एक विश्वसनीय, आरामदायक, सुरक्षित और तेज यात्रा अनुभव प्रदान करते हुए निर्माण और संचालन के दौरान पर्यावरण पर पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है, राइट? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट OSOP योजना में कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है? तो ये देखिए, आपका बजट से रिलेटेड है। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट OSOP स्कीम ऑफ इंडियन रेलवेज? तो ये भी बजट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। बजट में इसका अनाउंसमेंट हुआ था वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का, ठीक है? इसके अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो नंबर आप याद रखिएगा 728, ठीक है? बड़ा बड़ा आप याद रखिएगा 728, ठीक है? ये इतने रेलवे स्टेशनों को यहाँ पे कवर किया गया है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत, ठीक है? देखिए, इस योजना को मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक है? जस्ट आपका जो बजट अनाउंस हुआ था उसके जस्ट बाद। अब इसका उद्देश्य सरकार के वोकल फॉर लोकल दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको करंट अफेयर के जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, कि ये आपका है एक स्थान एक उत्पाद, यानी कि जो भी स्थान हो जहाँ का वो रेलवे स्टेशन हो, वहाँ का कोई भी उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट जो कि फेमस होता है, जो कि लोगों को बेचने के लिए बाजार नहीं मिल पाता है, ठीक है? लोग बाजार में बेचने जाते हैं ना अपने प्रोडक्ट को, तो ठीक से बाजार नहीं मिल पाता है, तो रेलवे स्टेशन से अच्छा बाजार कहाँ पे मिलेगा? क्योंकि रेलवे स्टेशन पे काफी लोग आते जाते हैं, तो वहां पे इनको ये बाजार लगाने का न्योता एक तरह से दिया जा रहा है कि आप आइए अपने सामान को यहाँ पे लगाइए, बेचिए, ठीक है? जिससे कि यहाँ पे रहने वाले जो भी स्थानीय लोग हैं वो अपने उत्पादों को बेच सके, ठीक है? तो योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर स्वदेशी या स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने, बेचने और उच्च दृश्यता देने के लिए OSOP आउटलेट आवंटित किए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बजट की चीजें हैं और इसमें टोटल 728 स्टेशनों को कवर किया गया है, जिसमें 785 OSOP आउटलेट्स हैं, ठीक है? तो 788 स्टेशन, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि REMC रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने कहाँ पर भारतीय रेलवे के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र NEMC की स्थापना की है? तो कहाँ पर ये REMC यानी कि रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी ने राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र NEMC, इसका मतलब हो गया आपका नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की है।
तो जब भी आपसे पूछे नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना कहाँ पर हुई, तो नई दिल्ली में हुई, सिंपली आपको याद रखना है, ठीक है। किसने करी, तो REMC ने, रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी ने। ये क्या है, तो ये आपका रीट्स इंडिया लिमिटेड, यानी कि रेल इंडिया यहाँ पे रीट्स इंडिया टेक्निकल है, सॉरी टेलीकॉम बोल रहा हूँ, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड है। ये जो रीट्स लिमिटेड है, ये क्या है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड है। इसकी एक सहायक कंपनी है REMC, रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी। इसने नई दिल्ली में भारतीय रेलवे के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र NEMC की स्थापना की है। क्यों की है, ताकि ये ऊर्जा की खरीद कर सके, देख रेख कर सके और इसका प्रबंधन कर सके, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे के लिए ऊर्जा की खरीद की देख रेख और प्रबंधन करना। किसका, राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र NEMC, नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर। किसने इसकी स्थापना करी, रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी ने। ये रीट्स की एक सहायक कंपनी है, राइट। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ही ये न्यूज ले लिया, ये इंटरनेशनल एक तरीके से कह सकते हैं, बस न्यूज है कि अंतरराष्ट्रीय। हाल ही में देखिए रूस और ईरान ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के हिस्से के रूप में ईरानी रेलवे लाइन रस्त अस्तारा रेलवे के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो आप इसमें बहुत कुछ मत जानिए, बस इतना जानिए कि ये है आपका भारत, भारत में ये है मुंबई, मुंबई से लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका रूस है, ठीक है। ये रूस तक एक कह सकते हैं रेलवे लाइन भी है, जल मार्ग भी है, इनको कनेक्ट करने के लिए ये बीच में ईरान से लेकर के अजरबैजान तक का एक कॉरिडोर था जिसपे समझौता नहीं बन पा रहा था, तो उससे समझौता बन गया है। ये 162 किलोमीटर का कॉरिडोर था, राइट, जिसकी वजह से ये जो रूट था पहले, देखिए ये जो इसका स्टैंडर्ड रूट है वो कुछ इस तरीके से इतनी दूरी तय करके जाना होता था, जो कि अब इसके बन जाने से महज आपको ये मतलब अब सीधा सीधा पड़ जाएगा, ठीक है। टोटल जो इसकी लेंथ है वो 7200 किलोमीटर का है। बहुत ज़्यादा इस पर मतलब रिसर्च तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खोजा, बस इतना आप जानिए कि ये रूस, ईरान, अजरबैजान, भारत और अन्य देशों को रेल एवं जल मार्ग से जोड़ता है, ठीक है। तो ये जो आपका था ईरान और अजरबैजान के बीच का ये रेलवे सेक्शन, इस पर समझौता नहीं बन पा रहा था, तो अब हाल ही में रूस और ईरान ने इस पे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण जो परिवहन कॉरिडोर है इसके हिस्से के रूप में ईरानी रेलवे लाइन रस्त अस्तारा रेलवे के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा, राइट, इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली। तो ये जितने भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, काफ़ी सारी चली हैं बीच में, और काफ़ी सारी ट्रेनें जो चली हैं उनका जो उद्घाटन या फिर उनको हरी झंडी दिखाई है वो अपने प्रधानमंत्री ने ही दिखाई है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे किसने हरी झंडी दिखाई है, वो तो ईजी बन जाएगा, चाहे वो वर्चुअली हो चाहे वहाँ जा करके उन्होंने हरी झंडी दिखाई, लेकिन दिखाई है। बाकी अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी राज्य का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस, या फिर उत्तर का, या फिर दक्षिण का, उत्तर पूर्व का जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कहाँ से चली, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको कराऊंगा, वो क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं, वो मैं आपको करा दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे उत्तराखंड की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, तो फ्रॉम वेयर टू वेयर डिड उत्तराखंड फर्स्ट सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रन। उत्तराखंड, ऑब्वियसली नाम उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ये चली, लेकिन कहाँ तक चली, तो देहरादून से नई दिल्ली तक चली, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उत्तराखंड से नई दिल्ली तक उत्तराखंड की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली, राइट। तो हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह देहरादून और नई दिल्ली को जोड़ेगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारत की 17वीं और राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जो देहरादून और दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच संचालित होगी या फिर हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपके लिए 17वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि देहरादून से नई दिल्ली तक चली। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से उत्तर पूर्व की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो अब देखिए उत्तर पूर्व की यहाँ पे पूछ रहा है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी कहाँ से दिखाई अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसमें कोई दुराय नहीं है कि हरी झंडी किसने दिखाई, ठीक है। आप बार बार देखोगे अपने प्रधानमंत्री ही वहां पे पहुंचे रहेंगे, राइट। तो रिसेंटली फ्रॉम वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो आपको सबसे पहले ये चीज पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उत्तर पूर्व का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये आपका हो गया भारत का नक्शा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें ये आपका क्या होता है, ये आपका नॉर्थ साइड होता है, ये आपका साउथ, ठीक है, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। तो ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, यहाँ पे कहीं पे होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे आपका क्या आएगा, गोरखपुर, ठीक है।
तो उत्तर पूर्व का यहाँ पे बात किया, नॉर्थ ईस्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, गोरखपुर, ठीक है। तो जो गोरखपुर है वो इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन जो उत्तर पूर्व की बात कर रहा है तो उत्तर पूर्व में आपका गुवाहाटी भी आता है, ठीक है। तो गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से उत्तर पूर्व की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसको हरी झंडी दिखाई गई। हालांकि ये जो गुवाहाटी है ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है। उत्तर पूर्व में जो बोल रहा हूँ इसको सिंपली क्या बोला जाता है, पूर्वोत्तर, ठीक है। पूर्वोत्तर आपको जो देखने को मिलेगा वो ऐसे, इसमें पूर्व और उत्तर दोनों आ जा रहा है हिंदी में, आप इसको ध्यान रखिएगा। जो मैं उत्तर पूर्व की पहले वंदे भारत बोल रहा हूँ, ये तो उत्तर पूर्व भले ही लिखा गया हो कि मतलब उत्तर और पूर्व के बीच, लेकिन यहाँ पे पूर्वोत्तर रेलवे ऐसे लिखा होता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पूर्वोत्तर बोलते हैं उसको, नॉर्थ ईस्ट दोनों उसमें आ जाता है, नॉर्थ भी ईस्ट भी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ऐसे कुछ करके है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो गुवाहाटी में है, और गुवाहाटी से ही ये आपका पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से उत्तर पूर्व की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी को 30,000 करोड़ रुपए की 100 एल्यूमिनियम वंदे भारत ट्रेन सेट के निर्माण और रख रखाव के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में चुना गया है। सो विच कंपनी हैज बीन सेलेक्टेड एज द लोवेस्ट बिडर फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ 100 एल्यूमिनियम वंदे भारत ट्रेन सेट वर्थ ₹30,000 करोड़। सो किस कंपनी को किया गया है, तो ये फ्रांसीसी कंपनी है, ठीक है। हालांकि जो वंदे भारत ट्रेन है ये मैंने मेड इन इंडिया है, ठीक है, लेकिन इसके ट्रेन सेट के निर्माण और रख रखाव के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में चुना गया है एल्स्टॉम रेलवे कंपनी को, ठीक है, एल्स्टॉम रेलवे कंपनी को, याद रखिएगा। एल्स्टॉम रेलवे कंपनी फ्रांसीसी कंपनी है जिसको 30,000 करोड़ रुपए की 100 एल्यूमिनियम वंदे भारत ट्रेन सेट के निर्माण और रख रखाव के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में चुना गया है, राइट। कौन सी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रेलवे के किस जोन ने अपने डीजल इंजनों का नाम शहीदों के नाम पर रखा है जो उनकी अदम्य भावना और वीरता को श्रद्धांजलि है। तो विच जोन ऑफ इंडियन रेलवेज हैज नेम्ड इट्स डीजल लोकोमोटिव आफ्टर मार्टियर्स एज अ ट्रिब्यूट टू दियर इंडोमिटेबल स्प्रिट एंड ब्रेवरी। तो ये देखिए आपका कौन सा ऐसा रेलवे जोन है जिसने अपने डीजल इंजनों का नाम शहीदों के नाम पर रखा है, राइट। तो जो करेक्ट आंसर है आपका उत्तर रेलवे जोन, ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे जोन। नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, ये आपको पता होगा, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर दिल्ली हो गया और इसी ने अपने डीजल इंजनों के नाम शहीदों के नाम पर रखे हैं, राइट। तो भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे जोन ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने डीजल इंजनों का नाम शहीदों के नाम पर रखे हैं। भारतीय रेलवे देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को सलाम करता है, साथ ही साथ उनमें से एक इंजन पर 26/11 मुंबई हमलों में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का नाम लिखा गया है, ठीक है। तो उत्तर रेलवे जोन आप याद रखिएगा, इन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने डीजल इंजनों के नाम शहीदों के नाम पर रखे हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने खोए हुए या छूटे हुए सामान और मूल्यवान वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो रिसेंटली विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF फॉर रिकवरी ऑफ लॉस्ट और मिसिंग लगेज एंड वैल्यूबल्स। तो इससे आप लोग भली भांति परिचित हो गए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, खोए हुए या फिर छूटे हुए सामान की प्राप्ति प्राप्ति के लिए। तो ये चलाया गया मिशन अमानत, ठीक है, मिशन अमानत, ठीक है, काफी जगह पे आपने सुना भी होगा। तो यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे की नई पहल मिशन अमानत लेकर के आया, इसे रेलवे सुरक्षा बल RPF ने लॉन्च किया। इसके तहत जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर फोटो के साथ खोए हुए सामान और सामान का विवरण पोस्ट किया जाएगा। खोए हुए सामान की जो जानकारी है वो wr.indianrailways.government.in पर अपलोड की जाएगी। अगर हम बात करें रेलवे सुरक्षा बल का, तो रेलवे सुरक्षा बल एक सुरक्षा बल है जिसे रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, रेलवे सुरक्षा अधिनियम 1957 द्वारा इसे स्थापित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा रेलवे संपत्ति और यात्री क्षेत्र की बेहतर सुरक्षा और संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया था। 2021 में भी RPF ने मिशन जीवन रक्षक लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन FSSAI से ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तहत पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो मैंने बोला था आपको कि ये जो ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र है
या फिर आपका जो एक और आपका ग्रीन रेलवे स्टेशन करके था वो भी अभी आपका आएगा, ठीक है। अभी और भी ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनको ये प्रमाण पत्र मिलेगा, तो उन्हीं में से ये एक है आपका पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का ये पहला रेलवे स्टेशन बना है, ई ट्राइब स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला। तो कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो अभी हमने जस्ट देखा कि पूर्वोत्तर जो सीमांत रेलवे है, हालांकि मैंने जो कोड बताया था वहां पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट एक ही में है, ठीक है, केवल NFR है इसका जो फुल फॉर्म है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था कहाँ पे है, गुवाहाटी में। तो इसी को, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का जो पहला रेलवे स्टेशन है जिसको ई ट्राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है, वो आपका है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा सिंपली, इसका जो हेडक्वार्टर है गुवाहाटी, इसी को ई ट्राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है, जो कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन जाता है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ई ट्राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला। मैंने आपको बताया था मुंबई सेंट्रल रेलवे जो है ये आपका पहला रेलवे स्टेशन था जिसे ई ट्राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला था। 2 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वेयर वॉज इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री इनॉग्रेटेड, कहाँ पे इंडिया की पहली निजी, सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया तेलंगाना में। कहाँ पे किया गया? तेलंगाना में। सी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है, तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हाल ही में रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोंडाकल में स्थित मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जो भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री है। उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम KCR ने तेलंगाना में अपने विस्तार के लिए मेघा सर्वो ग्रुप का पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया, विश्वास व्यक्त किया कि स्थानीय युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, ठीक है। तो तेलंगाना में बनती है भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में अगरतला अखौरा रेलवे परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट आवंटन को मंजूरी दी है? तो द रेलवे मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द बजट एलोकेशन ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज फॉर द अगरतला अखौरा रेलवे प्रोजेक्ट। तो ये देखिए, आपका जो प्रोजेक्ट है ये भी बजट के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बजट 2023, ठीक है, बजट जो 2023 का है ये इसके अंतर्गत आता है, और इसमें ये जो अगरतला अखौरा रेलवे परियोजना है ये बांग्लादेश को जोड़ता है, ठीक है, ठीक है, बांग्लादेश को। थोड़ा इसलिए इसको बस पूछा जा रहा है कि रेल मंत्रालय ने अगरतला अखौरा रेलवे परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए बजट आवंटन को मंजूरी दी है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका, 153.84 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देखिए, रेल मंत्रालय ने हाल ही में अगरतला अखौरा रेलवे परियोजना के लिए 153.84 करोड़ रुपए के बजट आवंटन को मंजूरी दी। 15 किलोमीटर की दूरी तक फैले यह रेलवे लिंक भारत में अगरतला को बांग्लादेश में अखौरा से जोड़ेगा, ठीक है। ये जो अखौरा है ये बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है, अगरतला तो आप जानते ही हो। तो ये परियोजना है, इसको 153.84 करोड़ रुपए के बजट आवंटन की मंजूरी दी गई। क्वेश्चन देखिए, कभी कभी आपको ऐसे पूछ दिए जाते हैं जैसा लगता है ये क्यों पूछ दिया गया है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर करंट अफेयर ही होता है, ठीक है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। जितने मुझसे बन पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं वो बस मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन रहे, आई होप कि आपको ठीक ठाक लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।